हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ कि लेट ए बी अ पॉइंट, ए बी अ पॉजिटिव नंबर और जीरो लेस देन सी लेस देन ए। लेट ए का जो फोकस है एफ, माइनस सी कॉमा जीरो एंड एफ डैश सी कॉमा जीरो द टू पॉइंट्स। तो प्रूव दैट द लोकस लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई सच दैट पी एफ प्लस पी एफ डैश इक्वल टू 2a इज एन एलिप्स। बेटा देखा, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इलिप्स हो, ठीक है। देखिए, जैसे ये इलिप्स है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये आपके पास एक इलिप्स है, ठीक है। अब एक इसका देखिए, जो एफ जो फोकस दे दिया वो दे दिया, एफ आपको दे दिया है माइनस सी कॉमा जीरो, ठीक है, माइनस सी कॉमा जीरो। और एक जो एफ डैश है, जो दूसरा फोकस है, वो है सी कॉमा जीरो। और यहाँ पर एक पॉइंट है पी एक्स वाई। तो आप वो कह रहे हैं कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, देखिए ये जो डिस्टेंस है पी एफ डैश पी एफ, ठीक है, पी एफ और जो पी एफ डैश है ये बराबर किसके, 2a के बराबर, यानी पी एफ प्लस पी एफ डैश ये बराबर है 2a के। इससे जो इक्वेशन बनती है, जो पाथ बनता है, वो जो फोकस लोकस बनता है, वो लिप्स बनता है। बेटा देखिए, ये कंडीशन है, ठीक है। यानी फोकस आपको दे दिया, एक आप दे दिया आपको फोसाई माइनस सी कोमा जीरो, दूसरा आपको दे दिया है एफ माइनस अपना सी कोमा जीरो। तो आपको ये प्रूव ये करना है कि इससे जो लोकस बनता है, जो पाथ बनता है, वो आपके पास क्या बनता है, इलिप्स बनता है, ठीक है, ये आपके पास है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या पहले पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर पी और एफ डैश के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इसे इस कंडीशन में पुट कर देंगे 2a के कंडीशन में। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे बनेगी इलिप्स की इक्वेशन ये वाली, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन लेके आना, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन दैट पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू, और इसे इक्वेशन में और बना लो, ठीक है। बेटा दोबारा सुन लें कि एलिप्स के आपके पास फसाई एफ और एफ डैश दे दिया है माइनस सी कोमा जीरो सी कोमा जीरो, और एक एलिप्स के ऊपर पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। तो अब आपको कह रहे हैं कि इनके दरमियान ये जो कंडीशन है कि पी एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू 2a, तो इससे जो इक्वेशन बनेगी, जो लोकस बनेगा, लोकस कहते हैं पाथ को, यानी जिससे जो रास्ता बनता है, जो इक्वेशन बनती है, वो आपके पास क्या बनेगी, एलिप्स बनेगी, ठीक है। तो अब हमें ये करना है, तो पहले हम लिखते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड, यानी
फर्स्ट वी फाइंड, तो अब देखें यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं, देखिए ठीक है इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए पी एफ, तो पी एफ आपके पास ये है, देखिए पी आपके पास एक्स वाई और एफ आपके पास सी माइनस सी कॉमा जीरो है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये आ गया पी एफ। अभी पी एफ डैश देखो, तो पी एफ डैश देखिए आपके पास ये है, पी आपके पास एक्स वाई है और एफ डैश आपके पास सी कॉमा जीरो है, तो एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू आप ले लें एक्स और एक्स वन ले लें सी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस तो ये आपके पास देखिए फिर आ जाएगा पी एफ डैश, तो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी हमने पी एफ और पी एफ डैश की वैल्यू फाइंड कर ली। पी एफ भी आपके पास गिवन था, देखें डायग्राम देख लें, पी एफ भी आपके पास गिवन है, पी आपके पास एक्स वाई है, एफ आपके पास माइनस सी कॉमा जीरो है, फिर पी एफ डैश, पी आपके पास एक्स वाई और एफ डैश सी कॉमा जीरो है, हमें ये पैराबोला एलिप्स की इक्वेशन बनानी है, ठीक है, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, देखें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस ठीक है, तो इसे भी एक्सपेंड कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू बी एक्स टू सी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब एक स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर और एक को मैं उस तरफ शिफ्ट करूँ ताकि स्क्वायरिंग प्रॉब्लम हो जाए, टू ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब आप कहते हैं यहाँ पर यानी हमें बेटा यानी बेसिकली हमें ये एलिप्स की इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर बाई स्क्वायर बहुत दस आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर जो आपने स्क्वायर ले लिया और फिर यहाँ पर ये टू ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, अब ये स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, और राइट पे लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर और राइट पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर टू ए का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर है, तो इसका बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, भी आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर और फिर माइनस टू ए बी, तो ए आपके पास टू है तो टू टू द फोर ए और बी आपके पास पूरा फैक्टर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिल कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर से देखिए लेफ्ट वाला और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और ये वाई स्क्वायर से यार वाई स्क्वायर कैंसिल और फिर ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो बचेगा आपके पास ये देखें लेफ्ट में बच जाएगा टू सी एक्स और राइट में बच जाएगा माइनस टू सी एक्स और ये माइनस फोर ए और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अब टू सी एक्स अपने राइट पे ले आए तो माइनस टू सी एक्स है
यहाँ पे आके प्लस टू सी एक्स, तो टू सी एक्स और टू सी एक्स फोर सी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस फोर ए, ठीक है, माइनस फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर ना एक थोड़ा ये देख लें, थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे एक ये भी बचेगा फोर, लेकिन यहाँ पर ना ये फोर ए स्क्वायर भी बचा, ठीक है, तो ये प्लस फोर ए स्क्वायर भी बचेगा, ठीक है। अब यह क्या करते हैं कि ये टू सी एक्स यहाँ पे आके फोर सी एक्स हो जाएगा, फोर सी एक्स और इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब फोर कॉमन ले लेते हैं, फोर कॉमन आ गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये फोर से फोर कैंसिल, ये आपके पास बच जाएगा सी एक्स ठीक है, तो ये बच जाएगा सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब क्या कहते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट की पूरी टर्म को लेफ्ट पे ले आते हैं और ये सी एक्स को मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर ए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस सी एक्स, ठीक है। अब आप अगेन स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ करते हैं, हमें बेसिकली जो ना इलिप्स की इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब अगेन स्क्वायरिंग करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, पहले ए स्क्वायर ए की पावर फोर और माइनस टू ए बी, तो टू ए स्क्वायर सी एक्स और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स, और ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए फोर माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा अब ये देखें, लेफ्ट में माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स और राइट पे भी आपके पास है माइनस टू ए स्क्वायर सी एक्स, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर, और दूसरा देखिए राइट पे प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको इधर लेफ्ट पे लाके माइनस कर देंगे, माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर फोर, और ये कॉन्स्टेंट आपके पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर को लेफ्ट राइट पे जाके माइनस कर देंगे स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइडिंग कर दें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे आप लोग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है।
जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डिवाइड कर दिया आपने किससे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर प्लस ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिलेशन हो रही है, देखें ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, पूरा फैक्टर कैंसिल, तो आपके पास ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब बेटा आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था पहले उसमें लिप्स के यदि प्रॉपर्टीज में कि वी नो दैट जो सी स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो अगर हम बी को लेफ्ट पे ले और सी को राइट पे ले जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे बी स्क्वायर, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। अभी आया समझ में, दोबारा देख लें, ये हमें कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में ना कि फोकस दे दिया माइनस सी कोमा जीरो और एक एफ डैश सी कोमा जीरो पॉइंट एक्स कोमा वाई है, और ये क्वेश्चन में कंडीशन खुद दे दिया कि पी एफ प्लस पी एफ डैश यानी जो डिस्टेंस है ये बराबर है टू ए के, तो इससे जो जो रिलेशन बनेगा जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, पैरा सॉरी एलिप्स बनेगी। ठीक है, तो ये आपने पी एफ के दरमियान डिस्टेंस निकाल लिया, फिर पी एफ डैश के दरमियान डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, और फिर कंडीशन में पुट कर दिया कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई जहां तक आपने किया तो फिर आपने ये रेशो लगा देना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, आई बात समझ में, और ऐसे ही इसके बाद चैप्टर सिक्स के बाद चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मैं यूट्यूब पे भी भेज दूंगा, वहां पे आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर तो निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए भी बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करें, प्रूव दैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स, ये जो एलिप्स है ये एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल वन, इसमें जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो आनी चाहिए टू बी स्क्वायर ओवर ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो एलिप्स है उसके ऊपर जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो यानी टू बी स्क्वायर ओवर ए, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि ये जैसे आपके पास एलिप्स है, ठीक है, ये इसका एक फोसाई है सी कोमा जीरो और एक आपके पास है एफ डैश है माइनस सी कोमा जीरो। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो पैराबोला के कहाँ से पास हो, जो सॉरी एलिप्स के फोकस से पास हो, फोसाई से पास हो, इसके एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इसे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, जैसे आपके पास ये पॉइंट आपके पास पी है और यहाँ पे एक पी डैश है। ठीक है, तो जो पी और पी डैश है, पी और पी डैश ये टोटल लेंथ है, ये आपके पास आनी चाहिए टू बी स्क्वायर ओवर ए, ये आनी चाहिए, तो ये मैं प्रूव करना है। ठीक है, कि जो एलिप्स है इसके ऊपर जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो आपके पास करना चाहिए टू बी स्क्वायर ओवर ए। अच्छा बेटा, आप यहाँ देखिए जो पॉइंट पी है ना, देखिए यहाँ पे फोकस इसका, देखिए फोकस इसका है या फोसाई है सी कोमा जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो पॉइंट एफ यानी जो एफ पे सी कोमा जीरो, यहाँ पे जो पॉइंट पी है ये तो ये पॉइंट सी होगा, और यहाँ हमें वाई का नहीं पता, ये हम वाई ले लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ जो पी डैश है ये पॉइंट सी, तो सी होगा, और वाई का नहीं हमें पता, ये हमें वाई निकालना है। ठीक है, अब ये वाई डैश ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए जो पॉइंट सी है, जो पॉइंट एफ है, वो तो आपके सी कोमा जीरो, फुसाई तो सी कोमा जीरो है, और जो पॉइंट पी है वो है आपके पास वैसे एक्स कोमा वाई होता है, तो जो यहाँ पे सी है वो यहाँ पे पॉइंट सी होगा। देखिए ना, जैसे एक पॉइंट मैं कहता हूँ कि प्लॉट करें फाइव कोमा यानी वाई प्लॉट करें, फाइव कोमा या टू प्लॉट करें, ठीक है, और एक जैसे पॉइंट है फाइव कोमा जीरो है, तो फाइव कोमा जीरो यहाँ पर आएगा वन टू थ्री फोर फाइव रीजन पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, फाइव कोमा जीरो, और यहाँ पे जो ऊपर पॉइंट है आपके पास जो फाइव कोमा टू यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये वन टू, तो ये फाइव कोमा टू है। नहीं, कहने का मतलब जो एक्स कंपोनेंट है वो सेम होगा, यानी जो फाइव है तो फाइव होगा, तो यहाँ जो पॉइंट सी है वो तो पॉइंट सी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पॉइंट वाई ढूंढेंगे कि पॉइंट वाई क्या है। जब पॉइंट वाई आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वाई, नीचे आ जाएगा वाई डैश, फिर इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, तो वहाँ से लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम आएगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, अब हम इसके में आते डायग्राम बनाते हैं। ये वर्टेक्स ए है, ये ए डैश है, ठीक है, ये मैं फोकस ले रहा हूँ सी कोमा, और एफ डैश है माइनस सी कोमा, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, कौन सा, पी एक्स वाई, मतलब जो एक्स है, देखिए ना एक्स तो आपके पास क्या होगा, सी होगा, वाई नहीं हमें पता, और यहाँ पे जो आपके पास जो एफ है, जो पी डैश है, एक्स तो आपके पास सी होगा, और जो आपके पास वाई है उसे हम वाई डैश कह लेते हैं। तो अब हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो पॉइंट वाई है ना, ये ढूंढेंगे, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ढूंढनी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम देखें ये है पी और पी डैश, तो पी और पी डैश है ना, ये इसके द्वारा डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो देखिए पॉइंट आपके पास जो एक्स है वो तो आपके पास क्या सी है, अब पॉइंट वाई ढूंढना, तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस जो होगा पी एक्स कॉमा वाई है, सी कॉमा वाई है, लाइज ऑन एलिप्स, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर तो अब देखिए एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा, देखिए इक्वेशन आपका एलिप्स की ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स की जगह पुट कर देंगे सी, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और वाई की जगह तो वाई रहेगा ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ से वापस आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नहीं, पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट है, जो पॉइंट पी है, उसमें जो एक्स है वो तो सी है, वाई कंपोनेंट हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ताकि हम जो पी और पी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा सकें। तो अभी आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो आपके पास सी स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर, यहाँ डिवाइड हो रहा है जाएगा जाएगा मल्टीप्लाई बी की पावर फोर ओवर ए स्क्वायर।
अब आपके पास आ जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी फोर ओवर ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एक कैंसिल, तो वाई आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस बी की पावर फोर का स्क्वायर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए। तो देखिए ये आपके पास वी है, बी की वैल्यू है, वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो आपके पास देखे जो इलिप्स हमने बनाई थी, हमने लिप्स बनाई थी, देखिए मेरी जो आपके पास एफ एस सी कॉमन सी तो डैश, और यहाँ पे देखिए जो हमें पॉइंट, जो पॉइंट पी है, ठीक है, जो एक्स था वो तो आपके पास क्या था, सी था। और देखिए जो वाई हमने निकाली, देखिए एक वाई हमने ये निकाली प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, तो एक कंपोनेंट आ गया बी स्क्वायर ओवर ए आ गया, ठीक है। और जो नीचे पॉइंट पी डैश है, एक्स तो सी है और ये माइनस बी स्क्वायर ओवर ए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि पी और पी डैश के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, देखें ये वाला, ठीक है, तो आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नॉट फॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम यूजिंग डिस्टेंस दोनों सी है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ओवर ए। यानी हमने क्या किया, जब पी और पी डैश के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। पहले हमने पॉइंट पी में वाई कंपोनेंट निकाला था, वो इलिप्स की इक्वेशन में ये पुट करके, तो यानी सी और वाई, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आगे सी और बी स्क्वायर ओवर ए और सी और माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। अब इनके दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। ये सी से सी तो कैंसिल हो गया, तो ये पी और पी डैश इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा एलसीएम, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखते हैं ई एफ डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी बाई टू बी स्क्वायर ओवर ए का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, कैंसिल। इसको हम कह सकते हैं पी और पी डैश को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये आ जाएगा टू बी स्क्वायर ओवर, तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बाकी मैं शेयर कर दूंगा आपको यहाँ पर यूट्यूब पे, उस पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, मेरा अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह कल।